तो आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है क्योंकि मई 2024 के महीने में आ चुकी है बंपर भर्तियां। दोस्तों अगर आप भी एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं इस साल 2024 में तो आप सभी के लिए 5 नई सरकारी नौकरी के फॉर्म निकल कर आ चुके हैं जिनके लिए आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन इनके शुरू हो चुके हैं। दोस्तों अगर आप भी 100% एक सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको बताएंगे कैसे मिलेगी आपको एक सरकारी नौकरी, वो भी इस साल 2024 के अंदर। तो आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है या ITI पास है, सभी को बताएंगे कि कैसे आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है, वो भी इस साल 2024 में 100% आपको सरकारी नौकरी मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप रेलवे में नौकरी पाना चाहते हैं, SSC में, बैंक में, पुलिस में, पोस्ट ऑफिस में, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में आप नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बंपर भर्तियां आ चुकी है जिनके लिए आपको अप्लाई करना होगा और कैसे आपको सिलेक्शन पाना है वो प्रक्रिया हम आपको बताने वाले हैं ताकि आप जो है सिलेक्शन पा सके। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो और वो भी अप्लाई कर सके। और दोस्तों रोजाना इसी प्रकार सरकारी भर्तियों की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोजाना आपको नई भर्ती का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, जल्दी से बात करते हैं इस महीने की मई की 2024 की बंपर भर्तियों के बारे में। चूंकि सरकारी नौकरी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुके हैं और यहां पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, ये जो भर्तियां हैं दोस्तों सरकारी नौकरियां हैं, ये ऑल ओवर इंडिया की भर्तियां हैं, यानी कि भारत के किसी भी राज्य या जिले में आप रहते हैं तो आप सभी अभ्यर्थी महिला पुरुष मेल फीमेल लड़के लड़कियां जो है आवेदन कर सकते हैं। तो यहां पर जो पद है कुल मिला के 95,500 से अधिक पदों पर भर्ती है जो कि बंपर भर्ती है। कक्षा 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास सभी के लिए भर्ती है और ITI पास अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। वही उम्र सीमा 18 से 55 साल रखी गई है। तो दोस्तों अगर आपकी उम्र है 18 से 55 तो आप आवेदन कर सकते हैं। वही बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती है और आवेदन 31 मई 2024 तक चलेंगे। तो 31 मई 2024 आवेदन की लास्ट डेट है, अप्लाई कीजिएगा। चलिए अन्य सभी जानकारी के लिए सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, यहां पर आपको रोजाना सरकारी नौकरी की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। दोस्तों अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट पास है या फिर अगर आप ITI डिप्लोमा डिग्री पास है तो सीधा इंतजार मत कीजिएगा, वेबसाइट पर विजिट करें। यहां पर आपकी योग्यता के अनुसार आपको नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। तो वेबसाइट पर आप जाने के लिए गूगल में सर्च कर सकते हैं sarkaritodaynews.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको सबसे ऊपर सबसे पहले ये वेबसाइट मिल जाएगी, यहां पर आप जाकर के भर्ती की जानकारी ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आज की नई भर्तियों के बारे में जो कि अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट से निकाली गई है नई भर्तियां। जी हाँ दोस्तों, रेलवे, SSC, बैंक, पुलिस सभी की भर्तियां हैं, साथ ही साथ बैंक की तरफ से भी भर्तियां हैं। तो एक एक करके आपको जानकारी देंगे, वीडियो को कृपया अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले नंबर की जो भर्ती है वो है पोस्ट ऑफिस की भर्ती। तो दोस्तों पोस्ट ऑफिस की तरफ से GDS यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती निकाली जा रही है इस साल 2024 की। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस के डिपार्टमेंट से ये भर्ती निकाली जा रही है जो कि ग्रामीण डाक सेवक GDS की भर्ती है। यहां पर जो पद है BPM के हैं, ABPM के हैं, डाक सेवक के हैं, 48,000 से अधिक पदों पर भर्ती है। दोस्तों इस भर्ती के आवेदन केवल आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और सैलरी 12,000 से लेकर के लगभग 29,300 रुपए महीना है और उम्र सीमा जो है पोस्ट ऑफिस GDS के लिए रखी गई है वो है कम से कम 18 साल, अधिकतम है 40 साल और आई सीमा में छूट भी है सरकार के नियम अनुसार। वहीं दोस्तों आवेदन शुल्क जो है जनरल OBC के लिए 100 रुपए है जिसका पेमेंट केवल आपको ऑनलाइन करना है, बाकी SC ST के लिए और PW के लिए बिल्कुल फ्री है। योग्यता की बात की जाए तो कक्षा 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप केवल 10वीं कक्षा पास हो चुके हैं तो पोस्ट ऑफिस GDS की भर्ती के लिए आवेदन करने योग्य हैं, आवेदन कर सकते हैं। वही दोस्तों इसके आवेदन जो है 17 मई तक चलेंगे। जीरा लिंक अप्लाई करने का, यहां से आप अप्लाई कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस GDS की भर्ती की पूरी जानकारी ले सकते हैं। और यहां पर अलग अलग राज्य से जो भर्ती निकाली गई है जैसा कि आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, अलग अलग राज्य से जो भर्ती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक पर क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है आपका डिवीजन और यहाँ पर आपको व्यू करना है। आप देख सकते हैं कितने कितने पद यहाँ पर है, पूरी जानकारी यहाँ पर है। ठीक है, अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर की भर्ती की बात करते हैं जो कि रेलवे RPF की भर्ती है। दोस्तों RPF की यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल की तरफ से भर्ती आ चुकी है, 4,660 पदों पर यह भर्ती है।
पहली बार ये भर्ती निकाली गई है साल 2024 में, ठीक है, जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है। संपूर्ण भारत से आवेदन मांगे जा रहे हैं इस भर्ती के लिए। महिला पुरुष मेल फीमेल सभी अभ्यर्थी जो हैं आवेदन कर सकते हैं आरपीएफ की भर्ती के लिए। तो आरपीएफ में जो भर्ती निकाली गई है कांस्टेबल की भर्ती है और सब इंस्पेक्टर एसआई की भर्ती है। 4660 पदों पर भर्ती है दोस्तों। इसके आवेदन जो है आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं जो कि पहले से शुरू हो चुके हैं। ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, ठीक है, मेल फीमेल सभी के लिए। वहीं दोस्तों सिलेक्शन के प्रोसेस यानी कि चयन प्रक्रिया की बात की जाए तो सबसे पहले आपका सीबीटी बेस एग्जाम होगा यानी कि ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद आपका पीएमटी होगा, फिर आपका पीईटी होगा यानी कि फिजिकल टेस्ट आपके लिए जाएंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और फाइनल आपके मेडिकल एग्जाम होंगे। और एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो एग्जाम का जो पैटर्न है वो आप देख सकते हैं, अर्थमेटिक में 35 सवाल है 35 नंबर के, और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 35 सवाल है 35 नंबर के, जनरल अवेयरनेस में 50 सवाल है 50 नंबर के, 120 सवाल है 120 नंबर के, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, उसका भी ध्यान रखना है। और फिजिकल टेस्ट में किस प्रकार का आपका फिजिकल का टेस्ट होगा वो आप यहां से देख सकते हैं। तो मेल फीमेल के लिए कितनी दौड़ होगी वो भी आप देख सकते हैं, 1600 मीटर की दौड़ है मेल के लिए जिसको पूरा करना है 5 मिनट 45 सेकंड में। वहीं 800 मीटर की दौड़ होगी लड़कियों के लिए जिसको पूरा करना है 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर। वहीं लॉन्ग जंप है 14 फीट है लड़कों के लिए, 9 फीट है लड़कियों के लिए। हाई जंप है 4 फीट लड़कों के लिए, 3 फीट है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार यहां पर फिजिकल टेस्ट रहेगा, ठीक है। वहीं दोस्तों यहां पर जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट है जिसमें आपकी जो हाइट चेक की जाएगी वो किस प्रकार होनी चाहिए कैटेगरी वाइज मेल फीमेल के लिए वो आप देख सकते हैं। जनरल ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के लिए किस प्रकार की यहां पर हाइट चाहिए, चेस्ट का मेजरमेंट क्या होगा, सारी जानकारी यहां पर दी गई है सभी के लिए। यहां पर पूरी जानकारी है, क्राइटेरिया है, ठीक है। और यहां पर फिजिकल टेस्ट सब इंस्पेक्टर के लिए क्या होगा वो अलग होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, वो आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। सैलरी 21,700 से 35,000 रुपए आपको पर मंथ मिल रही है। और यहां पर जो उम्र सीमा है 18 से 28 साल रखी गई है, आयु सीमा में छूट भी है। वहीं दोस्तों योग्यता क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आरपीएफ की भर्ती के लिए कांस्टेबल की भर्ती के लिए केवल 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, वहीं 12वीं पास और ग्रेजुएट पास भी। वहीं ऐसा ही सब इंस्पेक्टर के लिए केवल ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने का प्रोसेस भी यहां पर दिया गया है, आवेदन जो है 14 मई तक चलेंगे। यह लिंक यहां से आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आपको लिंक दिया गया है, यहां से आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिंक आ जाएंगे, यह रहे, ठीक है। यहां पर आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अप्लाई करने के लिए यहां पर आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, अकाउंट क्रिएट करके उसके बाद अप्लाई करना होगा। तो ये ऑनलाइन फॉरम है जिसमें आपकी पूरी जानकारी जैसा कि आपका पूरा नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, पिताजी का नाम क्या है, माताजी का नाम क्या है, आपका आधार कार्ड नंबर क्या है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी क्या है, इन सबको वेरीफाइड भी करना है, कैप्चा कोड डाल के आपको रजिस्टर करना है और फिर आपको आगे अप्लाई करना है, सारी जानकारी आपको देनी होगी, ठीक है। बाकी नोटिफिकेशन में आपको पूरी भर्ती की जानकारी दे रखी है, इसे आप चेकआउट भी कीजिएगा। अब बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो कि आईजीआई एविएशन की तरफ से निकाली गई है। दोस्तों अगर आप एयरपोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं तो आईजीआई एविएशन दिल्ली की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। यहां पर जो भर्ती है कस्टमर सर्विस एजेंट की पद पे भर्ती है 1095 पदों पर। इसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की है और ऑल इंडिया के सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं मेल फीमेल। चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा होगी, फिर आपका इंटरव्यू होगा। सैलरी 15,000 से 25,000 रुपए महीना है और एज लिमिट जो है 18 से 30 साल है और क्वालिफिकेशन में 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, 22 मई तक आप अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि 22 मई जो है लास्ट डेट है। यहां से आपको अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने की पूरी जानकारी यहां पर है। आवेदन आप इससे 22 मई तक चलेंगे और आपका जो एग्जाम है जल्दी अनाउंस किया जाएगा, रिजल्ट आपका एग्जाम के 15 दिन के बाद जारी कर दिया जाएगा। बाकी ये रहा ऑनलाइन फॉर्म, यहां पर आपको टाइटल सेलेक्ट करना है, जो भी है आपका टाइटल, आपका पूरा नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनल टीम, जेंडर क्या है, कैटेगरी क्या है, एग्जाम का सेंटर आपका कहां पे लेना चाहेंगे वो सेलेक्ट करना है, आपको प्रेफरेंस देनी है, आपका एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी जानकारी देनी है, आपका फोटोग्राफ अपलोड करना है और सबमिट करना है। सिंपल आपको इस प्रकार अप्लाई करना है। अब दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और नई भर्ती की जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई बैंक की तरफ से निकाली गई है। जैसा कि दोस्तों आप देखते हैं यहां पर इंटर्नशिप का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप का नोटिफिकेशन आ चुका है जो कि एसबीआई की तरफ से जारी किया गया है। दोस्तों एसबीआई की इस वैकेंसी के आवेदन जो है ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया की जॉब है मेल फीमेल सभी के लिए। और दोस्तों ये जो जॉब है इसके आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है आज ही आवेदन कीजिएगा। यहां पर जो सिलेक्शन का प्रोसेस रखा गया है उसमें आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी, केवल आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। वहीं एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, जॉब लोकेशन ऑल इंडिया की है और एज लिमिट 18 से 32 साल रखी गई है। और एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है उसमें कॉलेज के जो स्टूडेंट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं।
सकते हैं। आवेदन दोस्तों इसके शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है अप्लाई करने का, यहाँ से आप क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा लिंक पर और आप देखेंगे कि आपके सामने ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर ईमेल आईडी को आपको वेरीफाइड कराना है, उसके बाद आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका मोबाइल नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है, व्हाट्सएप नंबर देना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, वेरीफाई करना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ देनी है, जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल है या कुछ भी है। उसके बाद आपकी मैरिटल स्टेटस क्या है, सिटीजनशिप क्या है, कंट्री क्या है, स्टेट क्या है, सिटी क्या है, सब कुछ डालने के बाद में आपकी कौन सी लैंग्वेज है जो आप लिखना पढ़ना बोलना जानते हैं, सब डालने के बाद आपको कंटिन्यू करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, इस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि एक और नई भर्ती आ चुकी है SSC की तरफ से, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। यहाँ पर 12th पास के लिए CHSL यानी कि कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की वैकेंसी निकाली गई है। 3712 पदों पर यह भर्ती है। अलग अलग पद हैं, LDC के पद हैं यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के पद हैं, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट के पद हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद हैं। इसके आवेदन आपसे दोस्तों ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और ऑल इंडिया की जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया के मेल फीमेल अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो चयन प्रक्रिया है उसमें लिखित परीक्षा सबसे पहले है, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, CBD बेस एग्जाम का Tier 1 का, वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इंग्लिश से आपके सवाल पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस में सवाल पूछे जाएंगे, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सवाल आएंगे, जनरल अवेयरनेस की भी आपको सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 100 सवाल होंगे 200 नंबर के, यानी कि हर एक सवाल होगा 2 नंबर का और नेगेटिव मार्किंग भी है। सैलरी 19,900 से 81,100 रुपए पर मंथ है और एज लिमिट जो है 18 से 27 साल है, ICU में छूट भी है। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल OBC के लिए 100 है, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है, बाकी SC ST और फीमेल के लिए फ्री है। क्वालिफिकेशन में केवल 12th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और आवेदन इसके शुरू हो चुके हैं, 7 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। मेरा लिंक अप्लाई करने का, यहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं जारी हो चुका है SSC का और CHSL का, और यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कब आपके एग्जाम होंगे, एडमिट कार्ड कब जारी किया जाएगा, सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब चलिए इंतजार खत्म करते हैं, एक नई भर्ती की बात करते हैं जो कि समाज कल्याण विभाग यानी कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ओर से निकाली गई है। मल्टीपल जॉब है, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, क्लर्क, ऑफिसर, हेल्पर, सिक्योरिटी ड्यूटी, आप देख सकते हैं अलग अलग पद हैं, जिसके आवेदन दोस्तों आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। मल्टीपल जॉब है, ऑल इंडिया की भर्ती है, उम्र सीमा 18 से 45 साल है। ठीक है, ICU में छूट भी है। वहीं चयन प्रक्रिया में केवल आपका इंटरव्यू होगा, आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होगी। सैलरी 5200 से 20,200 रुपए महीना है। एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन में 8वीं 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन 15 मई तक चलेंगे, ये रहा लिंक। ठीक है, अब एक और नई भर्ती की ओर चलते हैं जो कि है NVS यानी कि नवोदय विद्यालय समिति की भर्ती। तो दोस्तों NVS की तरफ से आ चुकी है अलग अलग वैकेंसीज, नॉन टीचिंग की पोस्ट है, टीचिंग की पोस्ट है, पूरी की पूरी जानकारी यहां पर है, आप देख सकते हैं। मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS की पोस्ट है, मैथ्स हेल्पर की है, लेबर अटेंडेंट की है, प्लम्बर की है, एसोसिएट की है, इंजीनियर्स की है, काफी सारी वैकेंसीज है। 1377 पदों पर भर्ती है जो कि ऑल इंडिया की भर्ती है। दोस्तों इस भर्ती के आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं और चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा और आपका इंटरव्यू रखा गया है। सैलरी 18,000 से 1,12,400 रुपए महीना है और जॉब लोकेशन संपूर्ण भारत की है। उम्र सीमा 18 से 45 है, ICU में छूट है। नई आवेदन शुल्क जनरल OBC के लिए 1,000 है, SC ST के लिए 500, जिसका पेमेंट आपको ऑनलाइन करना है। और क्वालिफिकेशन में 10वीं 12वीं डिप्लोमा डिग्री पास सभी अभ्यर्थी जो है आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 7 मई तक चलेंगे, ये रहा लिंक। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए सूचना को ध्यान से पढ़िएगा। एक और नई भर्ती है दोस्तों जो कि HDFC बैंक की तरफ से निकाली गई है। तो HDFC बैंक में ऑल इंडिया की भर्ती आ चुकी है, अलग अलग पदों पर भर्ती है। क्लर्क, अकाउंटेंट, असिस्टेंट ऑफिसर, मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, सेल्स असिस्टेंट, काफी सारे पद हैं। 26,500 से अधिक पद हैं। फ्रेशर और एक्सपीरियंस सभी के लिए जॉब है, जिसके आवेदन आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया में केवल आपका इंटरव्यू है। ठीक है, सैलरी HDFC बैंक के रूल्स के अनुसार है। ऑल ओवर इंडिया की जॉब लोकेशन है और उम्र सीमा 18 से 50 है। आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है। योग्यता में कक्षा 10वीं 12वीं और डिग्री पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन दोस्तों इसके शुरू हो चुके हैं, आवेदन करने का लिंक यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, सीधा फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, यहाँ से आप डायरेक्टली क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, 1x1 करके आप दे सकते हैं। आवेदन शुरू हो चुके हैं। दोस्तों अब बात करते हैं एक नई भर्ती के बारे में जो कि PNB बैंक की नई भर्ती है, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक PNB बैंक से आ चुकी है नई भर्ती। पियोन की पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, जिसके आवेदन दोस्तों आपसे ऑफलाइन मांगे जा रहे हैं। चयन प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर आपका चयन रखा गया है, ना तो आपकी परीक्षा होगी, ना ही कोई आपका इंटरव्यू होगा, सीधी भर्ती है। सैलरी 28,000 रुपए महीना है। उम्र सीमा 18 से 45 है, ICU में छूट है। आवेदन शुल्क बिल्कुल फ्री है। योग्यता में 10वीं 12वीं और डिग्री पास सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं और आवेदन 30 दिनों के भीतर आपको करना है, ये रहा लिंक। ठीक है, और एक और नई भर्ती है, रेलवे टिकट कलेक्टर की भर्ती। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB की तरफ से TC की भर्ती आ चुकी है, जो कि ग्रुप सी की भर्ती है, लेवल 4, 5 और 6 की।
टिकट क्लर्क की भर्ती है, टीसी की भर्ती है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की भर्ती है, जूनियर टाइम कीपर की भर्ती है, टिकट कलेक्टर की है, कमर्शियल क्लर्क की भर्ती है, 9,500 से अधिक पदों पर भर्ती है जिसके आवेदन दोस्तों आपसे ऑनलाइन मांगे जा रहे हैं, ऑल इंडिया की भर्ती है, सैलरी 21,700 से 81,000 रुपए महीना है, चयन प्रक्रिया में सीबीडी एग्जाम, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और एज लिमिट जो है 18 से 32 साल है, आईसीएमआर में छूट भी है। वहीं क्वालिफिकेशन में 12th पास और डिग्री पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जून से जुलाई तक इसके आवेदन चलेंगे, यहां पर आपको लिंक दिया गया है, चेकआउट कीजिएगा। दोस्तों इन भर्तियों के अलावा और भी नई भर्तियां हैं जिसकी जानकारी आप सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि sarkaritodaynews.com की ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और रोजाना भर्तियों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।